हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, जो ट्यूटोरियल है, वो कलर मिक्सिंग के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनेगा। दोस्तों, कलर मिक्सिंग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने कितना ही डिजाइनिंग में मेहनत किया हो, लेकिन कलर चॉइस, कलर कॉम्बिनेशन अगर आपने सही नहीं लिया है, तो डिजाइन बेकार हो जाता है, आपका मेहनत बेकार हो जाता है और आपका क्लाइंट उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा लें, चाहे वो टी शर्ट के लिए हो, चाहे बैनर्स के लिए हो, चाहे फ्लायर्स के लिए हो, चाहे छोटा सा विजिटिंग कार्ड के लिए हो, किसी भी डिजाइन के लिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब हम कलर कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, कलर कैसे मिक्सिंग करते हैं, उसके बारे में आज हम बताते हैं। सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर बना लिया मैंने और जो कॉमन कलर्स है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये तो आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल में देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये वायलेट हो गया, ठीक है, ये रेड, ये स्काई, इसको शैन कलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल कलर पैलेट में होते हैं, तो आप ये डायरेक्ट कलर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मिक्सिंग करना है, परसेंटेज वाइज मिक्सिंग करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम एक और बॉक्स बना लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट F11 दबाएंगे। ध्यान रखिए, शिफ्ट के साथ F11। अब यहां पर ये जो आप मेरा माउस का जो कर्सर घूम रहा है, जो एरो घूम रहा है, वहां पर आप देखिए, यहां पर शैन, मजेंटा, येलो और ब्लैक, यहां पर परसेंटेज दिए हुए हैं। अब ये 100 इसलिए बता रहा है क्योंकि यहां पर हमने जो स्क्वायर लिया हुआ है उसका फिल 100% ब्लैक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज वाइज कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अभी ब्लैक को 0 कर देते हैं, ठीक है, सैंड को 50% लेते हैं, मजेंटा को 100% ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्राइट पिंक कलर हो गया, ये देखिए आप, इसे डार्क पिंक बोल सकते हैं और लाइट वायोलेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कलर बना। इसी तरह से हम दूसरा कलर बनाते हैं, जिसको हम पैरोट ग्रीन बोलेंगे, ठीक है। तो पैरोट ग्रीन के लिए हम क्या करेंगे, 60% शैन ले लेते हैं, मजेंटा 0 कर देते हैं और जो येलो है उसको हम 100% ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया पैरोट ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से हम कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। आप जो भी कलर चाहें, जो भी परसेंटेज चाहें, वो आप यहां पर इस तरह से बना सकते हैं, शिफ्ट F11, ध्यान रखिएगा, सिर्फ F11, ठीक है। अभी हमें इस पैरोट ग्रीन को डार्क करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्लैक ऐड करेंगे, मजेंटा थोड़ा ऐड कर देंगे, तो ये जो हमने पैरोट ग्रीन बनाया था वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, हमने जितने भी कलर बनाए हैं, वो आपको यहां पर मेरा जो एरो दिख रहा है, ये यहां पर डॉक्यूमेंट कलर पैलेट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जो भी हम कलर बनाते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम दूसरी चीज ये डालेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और विदाउट शिफ्ट सिर्फ F11 दबाएंगे कीबोर्ड पर, तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें हम ग्रेडियंट में फील डाल सकते हैं, जैसे ये अभी पैरोट ग्रीन है, यहां पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक और
कलर पॉइंटर आ जाएगा, दूसरा दबाऊंगा, तीसरा, यहाँ पर हम चाहे उतने कलर पॉइंटर ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम फाउंटेन फिल बोलते हैं ये कंप्यूटर में, और ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर जिस भी कलर पिकर को हम सिलेक्ट करेंगे वहां से हम कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अभी रेड ले लिया, ठीक है, ये व्हाइट की जगह हम यहाँ पर ग्रे ले लेते हैं, ठीक है, ये पिंक है, सॉरी ये लाइट ग्रीन है, उसकी जगह हम स्काई ब्लू ले लेते हैं इस तरह से, ये पैरोट ग्रीन है, उसकी जगह हम कुछ येलो टाइप ले लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आप फाउंटेन फिल कर सकते हैं, जिसे जितना भी चाहें आप इसमें कलर ऐड करके आप मल्टी कलर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस तरह से, जितना भी कलर चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक बैकग्राउंड हमने बना दिया, ये देखिए, ठीक है, तो ये मल्टी कलर बैकग्राउंड बन गया। तो इस तरह से भी आप कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे हम एक और स्क्वायर बना लेते हैं और इसमें हम ये वाला जो टूल है इसको आप क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो उसका एक सब मेनू आएगा जिसे हम मैश फिल कहते हैं, और उसका शॉर्टकट भी है M, ठीक है। तो ये मैश फिल ले लेंगे और मैश फिल में यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से एक सिलेक्शन हो जाएगा जो मैश हम फिल करेंगे, मतलब मैश फिल में हम कलर डालेंगे तो ऐसा एक सिलेक्शन आ जाएगा। अभी ये इसके जो कॉलम और रो वो दो बता रहे हैं, तो आप इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम चार कर सकते हैं कॉलम्स को, और रो को भी हम चार कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमने चार चार ले लिए हैं, तो कॉलम्स भी चार बन गई और रोज भी चार हो गई। अभी क्या करेंगे, किसी भी स्क्वायर को जो अंदर सिलेक्शन में उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट किया, सिर्फ बीच में क्लिक करना है और यहाँ पर हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर रेड ले लिया, ठीक है। फिर उसके पास वाला स्क्वायर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। उसके पास वाला स्क्वायर सिलेक्ट कर लेते हैं, केवल बीच में क्लिक करना है तो वो उतना स्क्वायर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका हम कलर कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे आपके डिजाइन के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो ये आप इस तरह से कलर मिक्स कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया मल्टी कलर बैकग्राउंड बन रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी कलर लेकर आप बना सकते हैं मल्टी कलर। ये येलो ले लिया, यहाँ पर हम ऑरेंज ले लेते हैं, यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं, यहाँ पर हम स्काई ब्लू ले लेते हैं, यहाँ पर हम वापस से रेड ले लेते हैं, यहाँ पर हम येलो ले लेते हैं। मतलब जितने भी स्क्वायर बने हुए हैं आपको सिर्फ बीच में क्लिक करना है तो ये आपको मल्टी कलर आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर गोल्डन ले लेते हैं, यहाँ पर ग्रे ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों ये देखिए पूरा मल्टी कलर बैकग्राउंड बन गया, तो आप इस तरह से बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो ये था कलर मिक्सिंग कैसे करना, उसकी जानकारी आपको मैंने इस ट्यूटोरियल में दी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपके मन में कोरल ड्रॉ के रिलेटेड या कलर मिक्सिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।